बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान सोमवार यानी कि 9 जनवरी को छपरा आएंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिले में तैयारी जोर शोर से चल रही है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री मटिहानी के भैरवपुर गांव जाने वाले हैं, जहां पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वो स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। वहीं विभिन्न योजनाओं का भौतिक स्तर पर जांच भी करेंगे। रोजे लगे लगे आज खाली हो जिले में सीएम नीतीश के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, जिसकी तैयारी को लेकर जिले के विभिन्न जगहों पर अधिकारियों द्वारा मुआवजा किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं की जांच भी की जा रही है। ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से जिले के दरियापुर प्रखंड के अकबरपुर सज्जनपुर मटिहानी पहुँचेंगे और सरकार की विभिन्न योजनाओं सहित उद्यमी योजना से संचालित उद्योगों का निरीक्षण करेंगे। वहीं जिले में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने अपनी समस्या को लेकर क्या मांग की सुनिए। रोड कारियर नाली चाहिए, पाँच साल से हमने के पंच अथी नल जल नहीं खे, हमने के पंच सोखा ना चाहिए, हमने के रोड कारियर चाहिए नाली, नाला नहीं के बना ना, नाला नहीं खे, शौचालय चाहिए, हम शौचालय चाहिए, आ ओकरा बाद में हम अथी पैसा जो लॉकडाउन में हमने के रहे नहीं खे मिलल। अच्छा, हाँ तो मैंने शिकायत ना करनी शिकायत तब हम वहाँ आदमी आल तब करी ये मैंने को बोला मैंने ऑफिस में जो काम करो लोग का सुना ना जीविका के ना बात वहाँ से ना हमने कहा ऑफिस में जो काम एक लाख बीस हजार की 1.5 लाख रुपया रहे हमने कहा नहीं क्या मिला जीविका ओरी से मैंने कोरोना में रोड लोग हाँ कोरोना में रहे तो नहीं क्या मिला खाद खरी के सब लिख के डाला वो पैसा हमने के नहीं के फ्री वाला रहा आ रहा है तो रखले रखले घोटाला हो गए फ्री के पैसा आ रहा ना मिला ना मिला कहनी लो की कहा पैसा लेवे ला पैसा देबू लो तो आय मिली अनाज तो हमने कहे की पैसे लेके का करम से अनाज मिली तो जब मोदी सरकार देले हो नीतीश कुमार फ्री में तो पैसा कौन छिके बताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रशासन की ओर से ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले की जीविका दीदियों से भी मिल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इसके साथ ही वो स्थानीय सर्किट हाउस में दोपहर का भोजन करेंगे और उसके बाद वो सड़क मार्ग से पटना वापस लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री के यात्रा को लेकर अधिकारियों ने तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अधूरे पड़े सारे कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।